الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال تعالى وهم يسترخون فيها يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله مولانا العظيم محترم دوستو بزرگوار بھائیو اللہ نے اس پوری کائنات کو ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے پوری دنیا کا جو نظام اللہ نے چلایا ہے روزانہ سورج کا نکلنا شام کو ڈوبنا اور چاند کی میرے دوستو نظام کو خدا نے چلایا ہے چاند سورج ستارے جمادات نباتات حیوانات یہ تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تمام مخلوقات کو اس کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے انسان کے لیے یہ پورا نظام ہے اور اللہ کے نبی نے اس بات کو بتایا کہ جب دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے تو انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے انسان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الدنیا خلقت لکم ما انتم خلقتم للآخرہ کہ پوری دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں اللہ نے پیدا کیا آخرت کے لیے اس دنیا میں رہ کر تم اپنی آخرت کو بناؤ جہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے انسان دنیا میں رہنے نہیں آیا
और दुनिया रहने की जगह है ही नहीं, और कल कोई रहना चाहे तो रह भी नहीं सकता, कोई नहीं रह सकता, एक दिन उसे मौत आ जाएगी और मरना है इसे यहां से। दुनिया में इंसान आया है मरने के लिए, और दुनिया को एक दिन इसको छोड़ना है, और ये इंसान दुनिया से मरकर मुंतकिल होगा, फना नहीं है। इस इंसान को फना नहीं है, ये फना नहीं होगा। हाँ, ये हमेशा के लिए बाकी रहने के लिए आया है। हाँ, इंसान अजली तो नहीं है, अबदी है। हाँ, अल्लाह ताला शान हो मैदान हश्र कायम करके इंसान के अलावा जितनी मखलूकात है उन तमाम मखलूकात को खुदा मिट्टी बना देगा। हैवानात और जितनी भी जानदार मखलूकात हैं सबको मिट्टी बना देगा। इंसान का मैं दो हिसाब किताब होगा, और इंसान के हिसाब किताब के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया, वल्लदी नफ्स मुहम्मदिन बियदी, वल्लदी नफ्स मुहम्मदिन बियदी मा बाद लैस बाद अलमौत दारन इल्ला अलजन्नत विन्नार, कि मैं उस अल्लाह की कसम खा के फर्क कहता हूं जिसके हाथ में मेरी जान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कि इंसान मरेगा और मरने के बाद आखिरत में इसे दो ठिकानों में से किसी एक ठिकाने में जाना होगा। हाँ, या तो ये हमेशा के लिए जन्नत में जाएगा या ये हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा, तीसरी जगह नहीं है। माबाद अल मौत इदारन इल्लल जन्नत व मिन्ना, कि मौत के बाद तीसरा कोई ठिकाना नहीं है दो ठिकानों के अलावा, या तो जन्नत है या जहन्नम है। और उस जन्नत और जहन्नम का मेरे दोस्तों फैसला इस दुनिया की जिंदगी पर होगा। अल्लाह ने इंसान को जिंदगी दी है, और उस जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत के बनाने के लिए अल्लाह ने असबाब दिए हैं। ये जो कुछ असबाब हमारे पास हैं, ये असबाब अल्लाह ने हमें दिए हैं ताकि हमारी आखिरत बने, हम उसे इस्तेमाल करें आखिरत बनाने के लिए, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं इस्तेमाल करें। अगर आदमी अल्लाह ने इसको जो कुछ दिया है, चाहे वो जिंदगी है, जवानी है, ताकत है, कुव्वत है, हुकूमत है, सल्तनत है, हाँ, माल और पैसे और कौड़ियां ठीक रहे हैं, ये जो कुछ अल्लाह ने दिया है इसलिए दिया है ताकि इसके जरिए ये अपनी आखिरत बनाए। दुनिया बना के क्या करेगा ये? अगर इसने अपनी दुनिया बनाई भी तो दुनिया बनाने के साथ मौत आएगी तो क्या होगा? छूट जाएगी दुनिया तो छोड़नी है, और ये दुनिया इसके साथ जाएगी भी नहीं अगर जाएगा तो। कोई मरने वाला अपने साथ दुनिया की कोई चीज लेके नहीं जाता, और आखिरत में जो चीज इसके साथ जाने वाली है वो ईमान और ईमानी जिंदगी है, या बेमान और बेमानी जिंदगी है जो इसके साथ जाएगी, और इसी पर आखिरत में फैसला होगा। जन्नत और जहन्नम का फैसला जो होगा वो ईमान और ईमानी जिंदगी या बेमान और बेमानी जिंदगी, ये उस पर होगा, चाहे वो बादशाह हो, मालदार हो, गरीब हो, हां, और दुनिया का मालिक हो, लेकिन इसे मरना है, मरकर यहां से मुंतकिल होना है। इंसान दुनिया में आने से पहले आलम अरवा में था, इसकी रूह आलम अरवा में थी, और अल्लाह ने इस इंसान को आलम अरवाह में जहां रूहें थीं वहां अल्लाह ने इसे एक इकरार और अहद लिया था, जिसे कहते हैं अहद अलस्तु, अलस्तु बिरब्बिकुम। इंसान की रूहें अल्लाह की कुदरत सामने है, और अल्लाह की तरफ सवाब एक
किया जा रहा है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तमाम इंसान, चाहे बादशाह हो, रैयत हो, मालदार हो, गरीब हो, फकीर हो, अमीर हो, अमरीकी हो, आपके दोस्तों और अरबी हो, कोई भी हो, सबकी रूहें वहां जमा थी और सबकी रूहों ने एक बात कही थी, आप हमारे रब हैं। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, तबलीगी सबने एक आवाज से कहा आप हमारे रब हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले आप हैं। हाँ, ये अलस्तु बिरब्बिकुम का अहद अल्लाह ने आलम अरबा में लिया था। अब अल्लाह ताला शानहू ने इंसान को दुनिया में वजूद बख्शा और इस रूह के लिए मां के पेट में जिस्म बनाया, तैयार किया और इंसानों के जिस्म में उस रूह को मुंतकिल किया और फिर दुनिया में इनको पैदा किया और पैदा करने के बाद अब इनको इम्तिहान के लिए दुनिया के असबाब दिए और इन असबाब में रखकर अब ये अल्लाह देखना चाहता है कौन अल्लाह को रब मान कर जिंदगी गुजार रहा है कि मेरी जरूरतें तो वही पूरी करता है, वहीं से हो रही है, लिहाजा मुझे उसी को मानना, उसी की मानना है, या कोई जो और कोई अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करना दुनिया के असबाब में समझ रहा है कि इन असबाब से मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं और उसका यकीन कर रहा है और अल्लाह की जात को शरीक बना रहा है, दूसरों को पार्टनर बना रहा है और उसी की रियाज के साथ चल रहा है, दुनिया की रियाज के साथ, न उसे सच्चाई न ईमानदारी न बेईमानी की कुछ रियायत करनी है, बस मेरी दुनिया पर रहे। ये दो रास्ते हैं, ये इम्तिहान है बस। मालदार को माल दिया इम्तिहान के लिए कि ये माल में अल्लाह को रब मानकर चलता है, अल्लाह की मानकर चलता है, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करके चलता है, या ये अपने माल के नशे में आकर खुदा के अहकाम को तोड़ता है। गरीब को गुर्बत दी है इसी इम्तिहान के लिए कि अपनी गुर्बत में अल्लाह की रुबूबियत पर अगर यकीन करता है और अल्लाह की रुबूबियत पर मेरे दोस्तों उसको सब्र करता है और अल्लाह के हुक्मों को गुर्बत के जमाने में जो खुदा ने इसको हुक्म दिया है उसको पूरा करता है नहीं करता। अल्लाह ने इंसानों को मुख्तलिफ हालात में पैदा किया है और मुख्तलिफ हालात के अहकाम दिए हैं। किसी गरीब को अल्लाह ने ज़कात का हुक्म नहीं दिया क्योंकि उसके पास माल ही नहीं है। ज़कात का हुक्म अल्लाह ने मालदार को दिया कि अपने माल में से ज़कात अदा कर। जिस आदमी में समझ और अकल नहीं है, अकल ही नहीं है, समझ बूझी नहीं है, पागल है, तो अल्लाह ने उसे कोई हुक्म नहीं दिया कि नमाज पढ़, अकल समझ ही नहीं उसके पास। छोटे बच्चे ना समझ है कहीं पर नमाज फर्ज नहीं की, 15 साल होने के बाद अब समझ आई है, समझ अब नमाज पढ़ो। बीमार को अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ने का, लेकिन बीमारी की रियायत के साथ हुक्म दिया नमाज पढ़ने का कि अगर तू बीमार है खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है तो बैठ के नमाज पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकता तो अल्लाह ने कहा सोकर नमाज पढ़, लेटे लेटे नमाज पढ़, इशारे से नमाज पढ़। हालात बदले हैं तो अल्लाह ने इंसानों की हालात जो इंसानों पर रात दिन आते हैं उन हालात की के मुकाबले में अल्लाह ने अहकाम दिए हैं कि इस हाल में खुदा के इस हुक्म को तो पूरा कर, अगर तू ये हुक्म पूरा कर देगा तो तूने अपने रब के साथ सच्चाई का मामला किया है कि अल्लाह के सामने इकरार करके आया है कि आप ही हमारे रब हैं, यानी हम आपकी मानकर चलेंगे। कलमे में यही इकरार है, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा इकरार है, ईमान का इकरार करता है, उसमें यही इकरार करता है कि आज से तू मेरा रब है और मैं आज से तेरी बात को मानूंगा। जिसमें कलमा पढ़ा उस कलमे पढ़ने के माने ये हैं कि उसने अल्लाह की बारगाह में इसका इकरार किया गया, अल्लाह तू मेरा रब है, तू मेरा माबूद है, मैं तेरी इबादत करूंगा और तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह
सिद्धासन के तरीके पर तेरी इबादत करूंगा। ये इकरार इंसान का, और इसी इकरार के बारे में कयामत के दिन उसका सवाल जवाब है कि तुम दुनिया में या आज अरस्तों में तुमने जो इकरार किया था उस इकरार की पाबंदी के साथ जिंदगी गुजार कर आए हो। हर एक से सवाल है। हाँ, इसीलिए मेरे दोस्तों हदीस में आता है ला तजाल कदमा इब्ने आदम हत्ता युसल अन अरबा, या और एक रिवायत का हत्ता युसल खम्स, कि आदम के बेटे के कदम मैदान हश्र से उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक पांच सवाल का माकूल जवाब इंसान न दे दे। और मैदान हश्र क्या है कि मैदान हश्र एक ऐसा मैदान है जहां इंसान मादरजात अंधे मादरजात मेरे दोस्तों नंगे मेरे दोस्तों खड़े होंगे, और ये सूरज जो आज लाखों मीलों दूर है वो इंसान के सर के करीब एक मील, उलमा लिखा मील के माने एक मील जो मुसाफत का है, या मील आंखों में सुरमा डालने की जो सिल्ली होती है उसको भी अग्नि में मील कहते हैं, कि ये सूरज इंसानों के इतने करीब होगा, और जब इतने करीब होगा तो इंसान मैदान हश्र में सूरज की गर्मी से और अपने गुनाहों की नहुसत की बुनियाद पर ये अपने उस पसीने में डूबा होगा। मेरे दोस्तों कोई नाप तक कोई गले तक कोई पूरा का पूरा मेरे दोस्त अंदर मेरे दोस्त डूबा हुआ होगा और सूरज की गर्मी से परेशान होगा, और इतना परेशान होगा कि इंसान चीख उठेगा या अल्लाह जहन्नम में डालना है तो डाल दे, लेकिन इस मैदान हश्र के अजाब से हमें नजात दे दे। उस मैदान हश्र में इंसान के कदम हटेंगे नहीं जब तक ये पांच सवाल का जवाब न दे। अनौम रही थी माफना, अल्लाह की तरफ सवाल होगा मैंने तुम्हें जिंदगी दी थी उस जिंदगी को तुमने कहां खत्म किया। अनुम्र ही फी माफना वान शबाब ही फी माबला, कि मैंने उस उम्र में तुझे जवानी की ताकत दी थी और जवानी का एक दौर एक जमाना तेरे ऊपर आया था, उस जवानी को कहां लगाया तूने। हाँ, जवानी में अल्लाह के अहकाम है, नमाज इबादत के रोजे के जकात के, जो आदमी 15 साल का हो गया और 15 साल की उम्र में अगर उसके पास माल है इतना माल है जिससे 52 तोला चांदी 52.5 तोला चांदी आ सकती है, आज के दौर में वो मेरे दोस्तों जितने भी पैसे होते हो आप गिन लीजिए इतना पैसे उसके पास है, इसके अपने मालिक है वो। उलमा से पूछिए कि अब इस माल में इसको क्या करना चाहिए, क्या अल्लाह का हुक्म है, उसे जकात देनी पड़ेगी, उसका जकात तो उस पर वाजिब हो रही है। जी हाँ, जवान है, जवानी में शादी करता है तो शादी करने के बाद अब उसकी बीवी के बारे में उसको उस पर अहकाम है कि तेरी बीवी को रखने के लिए मकान तेरे पर उसका हक है, उसके लिबास उसका लिबास देना तो तेरे पर हक है, उसे खाना खिलाना तेरे पर हक है। हुकूक आ रहे हैं, अब खुदा के अहकाम आ रहे हैं, और आदमी पर इसकी बे दोस्तों जितनी ताकत है उस ताकत के एतबार से अपनी बीवी बच्चों का नफका है। ये नहीं है ये 5 स्टार में खाना खाता रहे और इन्हें मेरे दोस्तों दाल रोटी खिलाता रहे, ये नहीं है, जवाब देना होगा उसको। जवानी में इसको अहकाम है कि अपनी निगाह की हिफाजत कर, किसी औरत पर बद निगाही मत कर, जवानी में इस पर मेरे दोस्त अहकाम है इस पर। हाँ, अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह ने ताकत दी है कुव्वत दी है तो ये अल्लाह ने अपनी इबादत और अपनी ताकत के लिए दी है, नाफरमानी नहीं दी कि जवानी के नशे में आकर तो खुदा का नाफरमान बन जा, इसलिए नहीं है।
जवानी इसलिए नहीं ताकि दुनिया में घूमता फिरे, जवानी तो इसलिए ताकि अल्लाह की इबादत करे। तो अल्लाह की इताअत, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की मखलूक पर की खिदमत जो अल्लाह ने जिसे तुझे हुक्म दिए हैं इसको पूरा कर। घूमने फिरने के लिए जवानी नहीं है। शबाबी फी मामला, कि जवानी को कहां लगाया तूने? जवानी दुनिया जमा करने के लिए नहीं है, जवानी तो अल्लाह का बंदा बनने की मेहनत का जमाना है। जवानी में तू डॉक्टर बनता है, जवानी में इंजीनियर बनता है, जवानी में मैं तो क्रिकेटर बनता है, जो कुछ बनता है, जवानी में अल्लाह का बंदा बनने की मेहनत करके मैं अल्लाह का बंदा बन के जवानी में गुजारूं। आज अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह को वो जवान बहुत प्यारा लगता है जो जवान जवानी में अल्लाह की इबादत करता है, और अल्लाह उससे खुश होते हैं, और खुश होकर अल्लाह कयामत के दिन ऐसे जवानों को जिन्होंने अपनी जवानी का जमाना अल्लाह की दाद में, अल्लाह को राजी करने वाले अमाल में, मखलूक खुदा की खिदमत में, माँ बाप की खिदमत करने में, माँ बाप को खुश रखने में, अपने भाई बहनों की खिदमत करने में और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने में जिन जवानों ने अपनी जवानी लगाई होगी, अल्लाह खुश होगा कयामत के दिन उन्हें अपने अर्श के साए में जगह देगा। ये अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। जवानी इसलिए है, जवानी अल्लाह अल्लाह का बंदा बनना। 24 घंटे की जिंदगी इस अल्लाह ने मुझे वजूद बख्शा है, आंखें दी है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, ताकत और कुव्वत दी है, उस अल्लाह का मुझ पर क्या हुक्म है? मैं क्या देखूं क्या ना देखूं, क्या इस अपने हाथों को कहां इस्तेमाल करूं कहां इस्तेमाल ना करूं, अपने पैरों से कहां जाऊं कहां ना जाऊं, ये तमाम अहकाम अल्लाह के हैं। जवानी में खुदा के उन अहकाम को सीखना समझना और अपनी जिंदगी को उसके ताबे करके जिंदगी गुजारना, इसलिए जवानी है। जवानी इसलिए है ताकि जवान अपनी जवानी की कुव्वत को अल्लाह का कलमा दुनिया में रोशन हो, खुदा की मखलूक अपनी जहालत से निकलकर और खुदा की नाफरमानी की जिंदगी छोड़कर अल्लाह के इताअत और जिंदगी की तरफ आए, उसकी मेहनत के लिए जवानी है। खेलने कूद के लिए, खेलने कूदने के लिए नहीं है जवानी, जवानी की तरस के लिए। कयामत के अल्लाह पूछेगा जवानी कहां लगा कर आए। हालांकि जिंदगी में बचपना भी आ गया, जवानी भी आ गई, बुढ़ापा भी आ गया, लेकिन जवानी का जमाना एक क्रिम जमाना है। इसी में आदमी बनता है जो कुछ बनना चाहे, चोर बनेगा जवानी बनेगा, हंसने की बात नहीं है, जवानी में बनेगा। शाहूकार जवानी में बनेगा, आलिम जवानी में बनेगा, हाफिज जवानी में बनेगा। अल्लाह की इताअत और जिंदगी भी अपनी जवानी में आदमी इख्तियार करेगा। जवानी इसलिए है, जवानी बनने का जमाना है और जवानी बिगड़ने का भी जमाना है। जवानी के जमाने में आदमी अगर बनना चाहे तो मेरे दोस्तों अल्लाह का नेक बंदा, और दुनिया में मेरे दोस्तों अपने अपने माँ बाप और अपने खानदानों के नाम को रोशन करने वाला बन सकता हो। हाँ, तो दूसरा सवाल यह है अनशबाबी फी मामला, जवानी को कहां खत्म किया तुमने? तीसरा सवाल होगा वन माली मीन आई नई कसब हो, और हर मालदार से माल के बारे में सवाल किया जाएगा कि माल कैसे कमाया, हलाल तरीके से हराम तरीके से कमा के जमा किया। हाँ, अल्लाह को मालदार बनना पसंद नहीं है, अल्लाह को ईमानदार बनना पसंद है। पहले ईमानदार बन फिर मालदार बनने की कोशिश कर, यानी अपने माल को खुदा के बताए हुए तरीके पर कमाने की फिक्र कर। माल के बारे में सवाल किया जाए कैसे कमाया माल, और चौथा सवाल यह होगा मीन आई वाइन अनफकता हो, उस माल को कहां खर्च किया तुमने? इंसान माल के खर्च करने में आजाद नहीं है, जहां चाहे कर ले।
अल्लाह ने कुरान पाक में माल के खर्च करने की जगह बताई कि माल कहां खर्च करोगे। जकात, जकात तो ये मेरे दोस्तों आखिरी है कि तू अगर अल्लाह के दिए माल को नहीं खर्च करता तो तेरे दिवस 40वां हिस्सा अल्लाह ने जकात फर्ज की है इसको तो किसी हाल में खर्च करना है। माल में जकात का हुक्म दिया अल्लाह ने, और जकात के हुक्म के अलावा अल्लाह ने कुरान पाक में और जगह खर्च करने की बताई। हाँ, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب سات جگہ دوسری کہ جو مالدار جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ زکاة دینے کے علاوہ अपने रिश्तेदारों जो जरूरतमंद है रिश्तेदारों पर खर्च करे, यतीमों पर खर्च करे, मसाकीन पर खर्च करे। वह आते हैं कुर्बा अला हुब्बी, हाँ, ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, मुसाफिर लोग तुम्हारे मोहल्लों में तुम्हारे घरों पर, तुम देख रहे हो कि अजनबी आदमी है मुसाफिर आदमी है उसकी जरूरत को जरूरतमंद है तो उस पर खर्च करो। बफर रेखाब और गुलामों को आजाद करने में लगाओ कि गुलामी में है अब इसका माल मुझे अल्लाह ने दिया है इसे गुलामी से आजाद करो। आजकल गुलामी नहीं है तो आज ऐसे लोग ऐसे मुसलमान जो बेचारे कर्ज में डूब गए और कर्जों में से निकलने का कोई इनके पास वक्त हाल नहीं है, अब इन्हें कर्ज से कर्ज में डूबे को निकालना ये मालदारों की जिम्मे है। वसाइदीन और फिरकाब, तुम्हारे पास जो लोग अपनी जरूरतें लेकर आए तो उनकी जरूरतों को पूरी करो। हाँ, वाका मसला तवा या फिर जका फिर मुस्तकिल हुक्म है, इसके माने ये है ये अगले जो जितने पहले तो खर्च करने की जगह बता रहा है कुरान वो जकात के अलावा है। मैं तो भगत देता हूं तो कौन सा एहसान करता है जकात देता है तो अल्लाह ने तुझे माल दिया है उस माल की 40वां हिस्सा तू दे रहा है, उन चालीस हिस्से तो तेरे पास है, फिर इस माल में औरों का हुकूक हक है। आज का मेरे दोस्त निकम्मा इंसान यूं पूछता है माँ बाप को जकात दे सकते हैं पागल के बच्चे, जिस माँ ने अपने खून को दूध बनाकर तुझे पिलाया उन्हें जकात देने की बात कर रहा है, तेरा माल किस काम का है। माँ बाप को जकात देने की बात कर रहा है, भाई बहनों को जकात देने के बारे में पूछ रहा है, चाहे भाई बहनों को जकात देने का इजाजत तो है लेकिन बहुत से जकात देने के बाद तेरे पास बहुत माल है कहां लगाएगा इसको पूछा जाएगा माल को कहां लगाया तूने। हां, आज अपना माल 5-स्टार होटल में जाके खर्च करने की मजे तो आ रहे हैं, जब जवाब देने का वक्त आएगा तो पता चलेगा। हाँ, माल अल्लाह इसे नहीं दिया है, माल को जरूरत के लिए है, जो तेरी जरूरत खाने पीने की तेरी जरूरत है, लिबास पहनना तेरी जरूरत है, मकान तेरी जरूरत है। हदीस में आता है आदमी की 5 जरूरतें हैं, रहने के लिए मकान, पहनने के लिबास, खाने के लिए खाना, अपनी जरूरत और ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी बीवी, और अपने काम के लिए अपनी सवारी। ये 5 हाजतें इंसान की है, खाना पीना, लिबास, मकान, बीवी और सवारी।
और निकाह और शादी के बारे में नबी का तरीका यह है, और नबी ने यह फरमाया है आजम उन निकाह ही बरका ऐसर मऊना, वो निकाह अल्लाह को बहुत पसंद है जिस निकाह में कम से कम खर्चा हो। अल्लाह को निकाह पसंद है, उसमें बरकत होगी। इसलिए ऐसा नहीं है एक मौका है तो उसमें खर्च नहीं किया तो कब कहां करेंगे, वो पता चलेगा मौत के बाद। यानी क्या लगा पता, अपनी माता ही दिखाने के लिए बहुत जगह है, गरीबों के मकान बना दे, गरीबों के बच्चों की निकाह करा दे, गरीबों के काम आ, अपनी मालदारी दिखाने के मैदान है ये, थोड़े मैदान है कि तेरे बच्चों की शादियों में तू 2000 की क्या कहते हैं डिश खिला और लाखों रुपए उस निकाह में खर्च करके अपनी अपने बच्चों की शादियों की जाओ जलाने का इसलिए थोड़ा है। हाँ, अल्लाह के प्यारे नबी अगर चाहते ना तो अल्लाह से दुआ करके अपने बच्चों के अपनी बच्चियों के लिए शीश महल बना सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने शीश महल नहीं बनवाए। अल्लाह के नबी की चार बेटियां, चारों बेटी की आपने शादियां की है, निकाह किए हैं, नबी किसी के भाई नमूना है क्या? आपने अपनी अपनी बेटी फातिमा की निकाह किया और निकाह करके खुद जाकर उसके घर छोड़ा है, खुद जाकर छोड़कर आए और जहेज में जो अपने पास था वो दे दिया कि भाई मेरी बेटी को घर में आकर पीसने के लिए चक्की की जरूरत हो चक्की दे दी आपने, और जो जरूरत की कुछ चीज है वो दे दी, हो गया। कोई जहाज उठाकर 1500 लोग लेके थोड़े गए थे घर, ये नबी की जिंदगी है। दोनों जहान के सरदार, जिस नबी के सदके में दुनिया को खुदा ने वजूद दिया है, माल इसने नहीं है, माल तो अल्लाह ने दिया है कि वो तू अल्लाह के नाम पर खुदा के मखलूक पर खर्च कर। इसलिए अल्लाह को सखी बहुत पसंद है, सखी बहुत पसंद है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया सखावत का दरख्त जन्नत में है, सखावत का दरख्त जन्नत में है और उसकी शाखें दुनिया में लटकी हुई हैं। जो बंदा अल्लाह का बंदा अल्लाह के नाम पर खुदा की मखलूक पर खर्च करता है, सखावत करता है, वो उसने उस दरख्त की शाख को पकड़ा और वो जन्नत में पहुंचेगा। फजूल खर्च अल्लाह को पसंद नहीं है, इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह फजूल खर्चों को पसंद नहीं करता, अल्लाह को फजूल खर्चों से मोहब्बत नहीं होती। इन المبذرين كانوا اخوان الشياطين, हां जो फजूल खर्ची में और खुदा की नाफरमानी के कामों में अपना माल खर्च करते हैं ये तो शैतान के भाई हैं। माल खर्च करने के एक तो खर्च जरूरत से जायद, जिस जहां 5 रुपए खर्च करने चाहिए वहां 6 रुपए इतने खर्च जरूरत में खर्च किए हैं, लेकिन 5 की जगह 6 खर्च किए तो 1 रुपया फजूल खर्ची है। एक मेरे दोस्तों बगैर जरूरत के खर्च करना, बगैर जरूरत नहीं हो खर्च करना, यह तबजीर, यह तबजीर बगैर जरूरत खर्च किया है अल्लाह को पसंद नहीं है। और एक मेरे भाइयों अल्लाह की नाफरमानी गुनाहों के काम में खर्च करना, यह है तर्ज मुतरफीन तासे है, अल्लाह को नापसंद है। हां न इसराफ हो न तबजीर हो न मेरे दो तरफ हो, हराम कामों में खर्च करना, जैसे आज हमारे यहां हमारी शादियों में, हां नाचने में गानों में और जितने मात्र पैसे खर्च हो रहे हैं, ये मेरे दोस्तों तमाम के तमाम मेरे दोस्तों
हराम कामों खर्च हो रहे हैं, अल्लाह को नापसंद है। और देखो अल्लाह को नाराज करने के कामों में माल लगाने पर खुदा फौरन नहीं पकड़ेगा, अल्लाह ढील देता है। हाँ, और फिर जब मेरे दोस्तों अल्लाह के यहां वो वक्त आ जाता है उसकी पकड़ का, तो फिर अल्लाह के यहां से उसकी पकड़ होती है। और अचानक होती है। हाँ, कुरान में अल्लाह कह रहा है फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब ये लोग इन्हें जिस बात की नसीहत की जाती थी उसको भुला देते हैं और वो छोड़कर, तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे इंसानों के लिए हम दुनिया की चीजों के दरवाजे और खोलते हैं। लो और लो, गुनाहों के साथ दुनिया अल्लाह ज्यादा देता और ले और ले। फतहना अलैहिम अबवाब कुल शै, हम हर चीज के दरवाजे इन नाफरमानों के लिए खोल देते हैं। हाँ, नाफरमानी करने के साथ दुनिया आ रही है, ये अल्लाह का फजल नहीं है, ये अल्लाह नाराजगी के साथ दे रहा है और ढील के साथ दे रहा है। अगर तूने इस पर तौबा नहीं की और अपने आप को बाज लाने की कोशिश नहीं की तो वक्त पर तेरी अचानक पकड़ की जाएगी। फलम्मा नसू माजुक की रूबी फतह नारे मब्बा उकले शही, जब इन्होंने नबी की तालीमात को भुलाया, अल्लाह के नबी ने जो फरमान फरमाए थे उसे भुलाकर अल्लाह की नाफरमानी के कामों में अपने माल को लगाना शुरू किया, तो अल्लाह ताला हसन फरमाते हैं हमने उनके लिए हर चीज के दरवाजे खोल दिए। और ले, और गाड़ियां ले, और चीजें ले, और सोफे ले, कितना चाहिए। हत्ता फरे हो बेबाऊ, तो यहां तक कि अल्लाह ने जो दुनिया की चीजें इनको पहुंचाई उसमें खुश हो गए। इसराए इसराए इसरा था आदमी दुनिया पर, क्यों अल्लाह की पकड़ नहीं आती, अल्लाह खुश है, पता चलेगा। हाँ, हत्ता ऐजा फरे हो बेबाऊ, तो दुनिया जो इनको दी गई है इस पर इतारे लगे। अखदना हम वक्त, हम उन्हें अचानक पकड़ दें। हाँ, हत्ता ऐजा फरे हो बेमाऊ तो अखदना हम वक्त फैजा हम मुखलिसून, तो वो जब अचानक ही पकड़ आती है हैरान और सजदे रह जाती है, कैसा हुआ ये, क्या हुआ। फकुदादाबीन जलमो, अल्लाह जालिमों की जड़ों को काट कर रख देते हैं, ये जालिम लोग हैं, ये सब जालिम है जो अल्लाह के दी हुई नेमतों को अल्लाह की नाराजगी के कामों में खर्च कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में जालिम किए जाएंगे और अल्लाह इनकी जड़ों को काटता है। हाँ, इसलिए मेरे भाई मेरे अजीज हो, हम और आप इस दुनिया में अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है और जिंदगी में जो कुछ हमारे पास अल्लाह ने दिया है इस्बाब दुनिया, ये मेरे दोस्तों आखिरत के बाद जिंदगी के बनाने के लिए है और अल्लाह का बंदा बनकर जीने के लिए है। हमारा ईमान बनाए, हम अपना ईमान बनाने की मेहनत करें, अपने दिल में ईमान की मेहनत करके इतना खौफ अल्लाह का पैदा हो जाए, जो खौफ खुदा हमें हर हर लाइन में अल्लाह की नाफरमानी और हराम से रोक दे। आदमी हराम उसी वक्त छोड़ेगा जब इसके दिल में खौफ खुदा आएगा। हाँ, जब तक खुदा का खौफ नहीं आएगा हज भी करता रहेगा, उम्र भी करता रहेगा और शैतानी से धोखे मिला देगा, अल्लाह नो शुक्र जो तो दर भर सहज और अल्लाह के हराम करता कामों को करता रहेगा। हां, मेहनत करके अपने ईमान को बनाना, आखिरत की जिंदगी के बनने का मदार मुल्क को माल नहीं है, आखिरत की जिंदगी के बनने का मदार ईमान और आमाल है, ईमान और आमाल सालिहा।
और इसी पर अल्लाह दुनिया की जिंदगी को भी पुरसकून बनाएंगे। दुनिया की जिंदगी सुकून वाली बंगलों में नहीं होती, बंगले बनाने से सुकून नहीं मिलता, बंगलों में एसी लाने से सुकून नहीं मिलेगा। सुकून मिलेगा जब आसमान से अल्लाह सुकून का फैसला करेंगे, और वो फैसला अल्लाह का सुकून तब होता है जब आदमी दुनिया के असबाब में अल्लाह को राजी करने वाले आमाल के साथ जिंदगी गुजारता है, तो अल्लाह ताला आसमान से इसके लिए सुकून का फैसला करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब। अरे जरा कान खोल कर मेरे बंदो सुनो, तुम जितनी अल्लाह की इताअत का रास्ता इख्तियार करोगे, अल्लाह इतना ही तुम्हारे दिलों में सुकून तुम्हें देगा। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब। हाँ, दुनिया की पेदो तब्दी गांव में जाने से सुकून नहीं मिलेगा, वहां जहां जाकर खुदा की जितनी नाफरमानियां करोगे ना, उसका असर घर पर आए, घर जब लौटोगे तब पड़ेगा परेशानियों का। कुरान अल्लाह कह रहा बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, अगर तुम्हें दिलों का सुकून चाहिए तो दिलों का सुकून अल्लाह की इताअत में खुदा ने रखा है। जितना तुम अल्लाह को राजी करोगे, अल्लाह की इताअत, नमाजें पढ़ोगे, हलाल रोजी कमाओगे, खुदा की मखलूक पर खर्च करोगे, जितना तुम अल्लाह की इताअत करा से इख्तियार करोगे, अल्लाह तुम्हारे दिलों में सुकून तुम्हें देगा। गरीब इसलिए परेशान नहीं कि इसके पास माल नहीं है, गरीब इसलिए परेशान है कि ये गुर्बत में भी खुदा की नाफरमानी कर रहा है, नमाजें छोड़ रहा है, लोगों को सता रहा है, अल्लाह की नाफरमानी की राह इख्तियार किए हुए हैं। इसलिए अल्लाह ने इसकी जिंदगी को मेरे दोस्त परेशान कर रखा है। हाँ, दुनिया का आना जाना ये तो इम्तिहान के लिए है। हाँ, राहत के नक्शों में अल्लाह राहत देगा तो राहत मिलेगी, वरना राहत के नक्शे में खुदा रखकर जब उस बंगलों में रहने वाला खुदा की नाफरमानी करेगा, नमाजें छोड़ेगा, और उस बंगलों में मेरे दोस्तों खुदा के नाराज करने वाले अमल करेगा, तो अल्लाह ताला वहां उसके लिए परेशानी के दरवाजे खोलेगा। सबसे पहले अल्लाह इसके दिल के सुकून को लेगा, और फिर भी अगर नहीं समझा तो अल्लाह ताला शाहरुख पर हालात लाएगा, फिर भी अगर मेरे दोस्त नहीं समझा तो खुदा ये दुनिया, जो दुनिया इसे अल्लाह की नाफरमान का बना रही है, खुदा इस दुनिया को इसके हाथ से छीनेगा। चले ऐसे बेचैनी, अल्लाह की नाफरमानी से अल्लाह दिलों में बेचैनी डालेगा, और ये बेतो फितरत इंसान की है कि इंसान जब कानून के खिलाफ वर्जी करता है तो उसके दिल में बेचैनी पैदा होती है। दुनिया की हुकूमतों को नाफरमानी करने वाला इंसान ये बेचैन होता है, परेशानी में आ जाता है, तो अल्लाह की नाफरमानी करने वाला कैसे चैन से रख सकता है। तुम्हारा अहमदाबाद का नगर सेठ, वो नगर सेठ में दो करोड़ की मेदो गाड़ी लेकर, 2 करोड़ की गाड़ी और अपनी बीवी, खूबसूरत बीवी को लेकर, और उस गाड़ी में तमाम खाने पीने के असबाब लेकर ये निकला, और निकलने के बाद मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, शहर में घुसा, और शहर में घुसने के बाद नो एंट्री वे में घुस गया, और बीवी ने कहां जा रहे हो, क्या है, ये तो नो एंट्री वे है। बस ये नो एंट्री वे सुनेगा ना, वहीं से दिल का सुकून अवश्य शू थे। जब तक नो एंट्री वे में है, हालांकि बीवी है, खाना है, इतनी
कितनी गाड़ी है लेकिन सुकून। हाँ आदमी गुनाह करता है ना तो इस गुनाह के करने के साथ सबसे पहले इसके दिल में बेचैनी आती है। झूठ आदमी बोलता है ना, झूठ बोलते वोट तो देता है लेकिन अंदर बेचैनी है यार, खबर पड़ जाएगी ना क्या होगा। हेलो आदमी किसी की मां बहू ने मुंह काला तो करता है और मुंह काला कर भी लिया है लेकिन अंदर बेचैनी होती है कि यार कुछ पता चल जाएगा तो क्या होगा। मेरे भाइयों ये पूरी कायनात का मालिक एक अल्लाह है और अल्लाह की जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं और अल्लाह के अहकाम को तोड़कर नमाजें छोड़कर खुदा ने जिन चीजों से मना किया है उसको उसका इर्तिकाब करके कैसे चैन मिल सकता है, नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे भाइयों जिंदगियां जिस अल्लाह ने पैदा किया है और जिस अल्लाह ने पूरी कायनात को हमारे लिए पैदा किया है उस अल्लाह ने जैसे जिंदगी गुजारने का अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के जरिए हमें जिंदगी गुजारने का जो रास्ता दीन इस्लाम दिया है इसको जिंदगी में जितना लाया जाएगा अपने बच्चों की जिंदगी में, अपने खानदानों की जिंदगी में, अपने कारोबार में जितना खुदा की नाफरमानियां करोगे याद रखो खुदा इतना तुम्हारे खिलाफ कानून लाएगा। कानून ऊपर से आता है, दुनिया के हुकूमतों के हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर पहले फैसले होता है फिर दुनिया के काम हुकूमतों के हाथ पास आता है। हाँ हदीस की किताबों में आता है अल्लाह ताला इंसानों के अमाल देखता है और उनके अमाल जब अल्लाह को नाराज करने के होते हैं तो आसमान से फैसला करता है इनकी जिंदगी में इन पर हालात का, तो वो हालात का फैसला जो होता है उसे देकर फरिश्ते को भेजते हैं। फरिश्ता दुनिया में आता है बैतुल्लाह का तवाफ करता है और बैतुल्लाह का तवाफ करके कहता है ओ दुनिया के इंसानों तुम्हारे बारे में अल्लाह का आज से ये फैसला है वो होगा। मसला इंसानों के हाथ में, मसला तो वहां है और वहां के फैसले इंसान के अमाल पर। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए और आपने वहां जाके देखा कि कुछ चीज जमीन से आसमान की तरफ आ रही है और कुछ आसमान से नीचे जा रहा है, तो आपने जिब्रील से पूछा ये क्या बात है जिब्रील क्या हो रहा है ये, कहा हुजूर जमीन से आपकी उम्मत के आमाल आसमान पर आ रहे हैं और उनके आमाल के फैसले जमीन पर जा रहे हैं। हाँ अल्लाह के नबी का फरमान है ज़कात मुसलमान नहीं देगा तो अल्लाह आसमान से बारिश को रोकेगा। मुसलमानों के घरों में जितनी बेहयाई बेशर्मियां जीनाकारियां बदकारियां आएंगी आसमान से अल्लाह की तरफ से ऐसी ऐसी बीमारियों के फैसले आएंगे जो बीमारियों का कोई इलाज नहीं होगा। आप हदीसों को पढ़िए, मसला हमारे अमल का है। हाँ एक मुसलमान पांच वक्त की नमाज की पाबंदी करता है तो अल्लाह के नबी की तरफ से उसको बशारत है कि इसकी नमाज की पाबंदी पर खुश होकर अल्लाह ताला सबसे पहले उसकी रोजी की तंगी दूर करेगा। बोले आप दुआ करो वो परेशान छो आप नमाज पढ़नी नहीं और मोरे साथ दुआ करानी है। तेरी नमाज का हाल तो तेरे हाथ में है, नमाज की पाबंदी का अल्लाह का वादा है, नबी की खबर है सच है यूं ही होगा कि अल्लाह तेरी रोजे की तंगी को दूर करेगा। नमाज की पाबंदी वो अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। पांच वक्त की नमाज पढ़ी उसने कि अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। तीसरा अल्लाह ताला मैदान-ए-हश्र में उसके नाम-ए-आमाल दाहिने हाथ में देगा
दाने हाथ में नामे अमाल के मिलने के माने यह है कि अल्लाह ने इसको ये मफरत कर दी। पुल सिरात पर से बिजली की तरफ गुजर जाएगा, हरेक को पुल सिरात गुजरना होगा। वही मेन को मिलता वाले तो हा कोई भी बच नहीं सकता, पुल सिरात पर से गुजर के ही जन्नत जाना है। अल्लाह इसे पुल सिरात से बिजली गुजार देगा और अल्लाह बगैर हिसाब किताब के इसे जन्नत में दाखिल कर देगा। नमाज पर इतने बड़े वादे अल्लाह के, जिस नमाज को मुसलमान खेलकूद में छोड़ देता है, जिस नमाज को मुसलमान एक दो कौड़ियों के लिए छोड़ देता है, जिस नमाज को मुसलमान गुनाह करते करते छोड़ देता है, गुनाह करता है नमाज के वक्त में, जुआ खेलता है, मौजिन अजान के अलावा जुआ खेल रहा है, नमाज को इतनी बड़ी विशालते हैं, नमाज तो खुदा रोजे का मसाल करेगा, नमाज तो अल्लाह बच्चे पर करेगा, कबर मामूली जगह नहीं है। दुनिया में मेरे दोस्तों एक कमरे में 10x10 का कमरा वो अंधेरा वाला हो उसमें आदमी नहीं रह सकता, परेशान हो जाता है। तो कबर में कबर की वैशिष्टता मंजिल वहां क्या होगा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके सामने जब खबर का तज़किरा होता था तो इतना रोते थे कि दाढ़ी तज हो जाती थी। किसी ने पूछा आप जहन्नम के और आखिर के तज़किरे से कितना नहीं रोते जितना खबर की हालात को सुनकर आप रोते हैं। कहा भाई आखिर में जाने के लिए सबसे पहले मंजिल तो कब्र है। अगर यहां हालात बिगड़ गए तो आगे के हालात तो क्या होगा। हम कब्रस्तान में जाते हैं हमें पता एहसास नहीं होता कि कब्र क्या है, कब्र शत मंजिल है यार, यहां मुझे लगे सुनाया जाएगा क्या होगा मेरा। अल्लाह के नबी नमाज के बाद हर नमाज के बाद कब्र के अजाब से पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह मैं तुझसे कब्र के अजाब से पनाह मांगता हूं। अल्लाह नमाज की वजह से कब्र के अजाब से बचा देगा। मेरे भाई मेरे अजीजो आमाल पर अल्लाह ताला शानों की तरफ से दुनिया में अल्लाह ताला अपने बंदों की जिंदगियां मेरे दोस्तों पाकी खुशगवार बनाएगा, खुशगवार जिंदगी मिलेगी और मौत के बाद की अवधि जिंदगी इस पर बनेगी, ईमान पर आमाल पर। इस ईमान और आमाल को जिंदगी में लाने के लिए सहाबा ने ईमान की मेहनत की, तालीम के हलकों में बैठकर आखिरत के तस्करों को सुनकर अपने दिल में आखिरत की आखिरत का फिक्र और आखिरत का यकीन दिलों में छाया उतारा। जितना यकीन दिल में उतरता चला गया इतना जिंदगी सही रुख पर आती चली गई। हाँ आदमी की जिंदगी मदार यकीन पर ही है। दुनिया का धंधा कौन सा करोगे, जिस धंधे में 2 रुपये 2 पैसे मिलने का यकीन होगा तो करोगे, वरना नहीं करोगे। वो नौकरी करोगे जिस नौकरी पर तुम्हें तीसरे दिन महीना पूरा होने के साथ तुम्हें तनख्वाह वक्त पर मिल जाएगी तो वो नौकरी करोगे। अब पता वो कोई कह दे कि भाई इनका हाल ऐसा जाए, वक्त पर पैसे नौकरी देते तनख्वाह देते भी नहीं भी देते तो आदमी उस नौकरी को करने तैयार नहीं होगा। यकीन एक माया है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें उनकी खबरें दी हैं और आमाल पर जो अल्लाह के देने के वादे हैं इसका यकीन दिल में जितना आता चला जाएगा आदमी का कदम आमाल की तरफ उठता चला जाएगा। तहज्जुद में वही उठेगा जिसको तहज्जुद में उठने कर
अल्लाह की तरफ से जो वादे हैं जन्नत के और अल्लाह की नेमतों के, ये यकीन जब दिल में उतर जाएगा तो आदमी के लिए तहजीद में उठना आसान हो जाएगा। रोजा वही रखेगा जिसके अंदर रोजे पर अल्लाह के नबी ने जो खबर दी है कि रोजे पर अल्लाह अपने बंदे को आखिरत में क्या क्या नेमतें देगा, तो आदमी रोजी के लिए अपने आप को पेश करेगा। यकीन है, यकीन, यकीन की मेहनत है। चार महीने या चिल्ला या महीने के तीन दिन जो अल्लाह की राह में निकलकर मेहनत के लिए कहा जा रहा है, ताकि इस मेहनत के जरिए हमारे दिल का यकीन दुरुस्त हो, हमारे दिल का यकीन अल्लाह के नबी के वादों पर आ जाए, ताकि हमारी जिंदगी में अमल करना हमारे लिए आसान हो जाए। यही तुम्हारे नौजवान बच्चे जो मेरे दोस्तों घरों में खेलते थे, कूदते थे, मेरे दोस्त जब जमात में जाते हैं और जमात में जाकर मेरे दोस्त जो आते हैं तो इनकी जेब में मिसवाक होता है। क्या बात है कि तालीम में बैठे थे, तालीम में बैठने के बाद ये फजाई सुने थे कि जो तो जो मिसवाक करेगा वो अल्लाह ताला उसका ईमान पर खात्मा करेगा। क्या ईमान पर खात्मा होगा हमारा? ये चीज उन्हें मजबूर करते कि हाँ मिसवाक लगाना शुरू कर देते हैं। मिसवाक अपने मेजर पैंट और शर्ट छोड़कर इस्लामी लिबास में क्यों आते हैं कि नबी की सुन्नत पर मैं जिंदगी गुजारूंगा तो कयामत के दिन नबी के साथ भी हश्र होगा। कोई नहीं कहता किसी हमको, किसी जवान से हम नहीं कहते तेरी पैंट शर्ट छोड़ दे, वो तो खुद छोड़ता है। अंदर एक बात आई है मेरे भाइयों, एक मेहनत है, असल मौत है। रोजाना मौत करीब आ रही है, रोजाना मौत करीब आ रही है, और मौत से पहले पहले मौका है अपने आप को बनाने का। दुनिया बनाने के चक्कर में अपने को भूलना समझदारी की बात नहीं है। जिस दुनिया को मैं बनाऊंगा वो मेरे काम कहां आने वाली है, और जो आमाल मेरे साथ आने वाले हैं उसकी मुझे फिक्र करने का मौका मौत से पहले पहले इसके बाद नहीं है। अपने ईमान को इतना बनाना जो ईमान हमें अल्लाह के फराइज पे खड़ा कर दे, जो ईमान हमें अल्लाह की मना करता चीजों से रोक दे, ये अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। हम अपनी नमाजों को ऐसी जानदार बनाएं जो नमाजें हमें फोहश और मुनकरात से रोक दे। नमाज की तासीर कुरान ने बताई है, इन सलात तनहा अनिल फाहिशा वल मुनकर, कि बेशक नमाज आदमी को बुराई के कामों से, फाहिश काम से रोक देगी। लेकिन कौन सी नमाज? जो नमाज नमाज बनाई जाए, उसे सिखा जाए, अपनी नमाज में अल्लाह के वादों का यकीन पैदा किया जाए, अपनी नमाजों में अल्लाह का ध्यान लाया जाए, अपनी नमाजों को नबी के तरीके में पढ़ने की मेहनत की जाए। जब आदमी अपनी नमाज कैसी बनाएगा फिर ये नमाज की तासीर जिंदगी में आएगी। साबुन 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 का तो काम ही मैल दूर करना है, लेकिन अगर आदमी कोई साबुन लाए और कपड़े को धोए और कपड़े का मैल साफ ना हो तो क्या कहोगे कि साबुन सही नहीं है? साबुन में कोई मिस्टेक है। हम नमाजें पढ़ते हैं और नमाजें पढ़ने के बाद हमारे हमसे गुनाह नहीं छूट रहे, क्या मतलब है? हमारी नमाजों में मिस्टेक है। तबलीग में निकलकर ये कहा जा रहा है अपने कलमे को बनाओ, अपने कलमे में और यकीन में इतनी ताकत पैदा कर लो जो तुम्हें गुनाहों से रोक दे, जो तुम्हें अल्लाह के फराइज पर कदम उठाने की तौफीक दे दे। अपनी नमाजों को ऐसी जानदार बनाओ कि जो नमाजें हमें बुराई और बेहयाई के कामों से रोक दे, जिस नमाज के जरिए हम अल्लाह से मांगे और अल्लाह हमारी मांग को पूरी कर दे। नमाज मामूली चीज नहीं है, नमाज को अल्लाह की कुदरत से बराए रास्त नफा उठाने का जरिया है। सहाबा ने नमाज के जरिए अल्लाह की कुदरत से नफा उठाया। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, जमात निकलकर अपने कलमे पर मेहनत कराई जाती है, अपनी नमाज को सही करने की मेहनत मश की जाती है,
चार महीने आदमी निकलता है, फारिग होकर निकलता है, मस्जिद के माहौल में रहता है और दावत की मेहनत में जाकर लोगों को जाकर अल्लाह की बात सुनाता है और तालीम के हल्कों में बैठकर अल्लाह के नबी की नूरानी हदीसों को घंटों तक सुनता है और उसको आपस में इसके मुजाकरे करता है, नमाज को एक छुरी के साथ अपनी नमाज को पढ़ने की फिक्र करता है, सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी करता है, जिसके जरिए उसके दिल में अल्लाह का ताल्लुक पैदा होता है। और मेरे दोस्तों, नमाज जमात में निकलने के बाद एक दूसरे की मेरे दोस्तों तकलीफों को झेलता है आदमी। नमाज में जमात में निकलने के बाद उसको ये ध्यान होता है कि मैं जमात में निकला हूं, कोई इसके साथ लड़ेगा तो लड़ता नहीं है, तो मैं जमात में निकला हूं। जमात में लड़ना नहीं चाहिए, जमात में निकलकर आदमी एक दूसरे की खिदमत करता है, एक दूसरे की खिदमत, एक दूसरे का ख्याल रखने की फिक्र करता है, जिसके जरिए उसके अंदर अखलाक आते हैं, एक दूसरे की खैर खाई, एक दूसरे की खिदमत करना। और मैं दोस्तों, अल्लाह के लिए करना, अल्लाह के लिए करना, अपनी जान अपने माल को लेकर ये अल्लाह के राह में निकलता है और फिर अल्लाह से इखलास मांगता है, इखलास मिलता है, इसकी जिंदगी की में तब्दीली आती है। मेरे भाइयों, दावत की ये मेहनत सिर्फ चार महीने गुजारने के लिए नहीं है, दावत इसकी मेहनत से हमारी फिक्र और सोच को बदलना, हमारी फिक्र और सोच दुनिया है, हमारी फिक्र और सोच दुनिया है, हालांकि ईमान वाले की फिक्र और सोच आखिरत होनी चाहिए कि मेरी आखिरत बने, मेरी मौत और मौत के बाद की जिंदगी बने, इसके लिए अल्लाह ने मुझे दी है। ये सोच और फिक्र जब आ जाती है आदमी में, तो आदमी अपने कारोबार में भी इस फिक्र और सोच के साथ रहता है, फिर दुकान पर बैठता है तो दुकान पर बैठ कर सोचता है जुमेरात है, आज हफ्ता और इज्तिमा है, वहां जाना है, वो फिक्र उसको बर्बाद करती है। और घर में रहता है तो घर में नमाज की फिक्र के साथ रहता है कि मेरी नमाज कजा ना हो जाए। हाँ, फिर अपने हर मौके पर ये आखिरत के ध्यान के साथ चलता है और आखिरत में नुकसान देने वाली जितनी चीजें हैं उससे अपने आप को बचाता है, और अगर हो जाती है तो फौरन तौबा करता है। किसी को सताया तो फौरन जाके माफी मांगता है कि भाई मरने के बाद इसका हिसाब देना होगा, मेरी आखिरत में ना क्या होगा। अगर चोरी की है जमाने किस जहालत के जमाने में और उसकी चोरी करने के उसको ये होता है तो वो जाकर उसको अदा करता है कि भाई हमसे चोरी हो गई है, तेरे यहां से मैंने चोरी की है, कयामत के दिन मैं अदा नहीं कर सकूंगा, तेरी ले ले, क्या मुझे माफ कर दे। वो एक टेलर जमात में निकला चार महीने के लिए, चार महीने निकलने के बाद अंदर हिदायत के नूर से रहा, आखिर और आखिर तीन दिन के फिर पैदा हुआ, तो बस निजामुद्दीन में चार लगाकर वापस लौटा, तो मस्जिद में नमाज के बाद रोए, बहुत रोए, लोगों को उस पर रहम आवे। हजरत मौलाना मोहम्मद साहब ने को कहा, किसी ने कहा कि हजरत ये आदमी बहुत रोता है, तो हजरत ने उसको अपने कमरे में बुलाया, वो दिल्ली का था, उसको पूछा तू रोता क्यों है। उसने कहा माना मैं टेलर हूं, जमात में निकलने से पहले तो मेरी जिंदगी जहालत जिंदगी थी, टेलर होने की वजह से मेरे पास लोगों का कपड़ा ज्यादा आता था, तो ज्यादा कपड़ा मैं उनको वापस नहीं करता था, उनका हक मेरे ऊपर है, और मुझे ये डर है कि अगर मेरा हाल इस साल में मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। अब आखिर ये मैंने जो कपड़े पहने वो कपड़े भी उन्हीं के हैं, उनके बचे हुए कपड़ों से मैंने सीख पहने हैं। मां उसने तसल्ली दी है रास्ता में, फिर मां ने अपना एक कुर्ता निकाला और कहा जो तुमने हराम के कपड़ों से पहना है उस उनका ही पहन ले पहले, तो उसको पहनाया। फिर मां कहे देखो अब तुम्हें अपना कारोबार जाके शुरू करना होगा, दुकान तो खोलनी होगी ना, तुम एक बात तय कर लो, मैंने जिन जिन लोगों के कपड़े वापस नहीं किए बचे हुए वो तेरे ग्राहक तुझे पता है, उन ग्राहकों को मैं उनका जो हक है अदा करूंगा, और
उनसे माफ कराऊंगा, अगर माफ करेंगे तो ठीक है, वरना उनका हक मुझे अदा करना है, ये तय करके तू दुकान खोल। और जितने तेरे घाट तेरे पास आए उनसे कह दे कि भाइयों मैं जमात में नहीं निकला था, मेरी जिंदगी बेकार थी, तुम्हारे कपड़े मैंने सिए हैं, जो बचा हुआ कपड़ा था तुम्हारा हक था, मैंने वापस नहीं किया है, तुम मुझे या तो माफ कर दो या तुम्हारे कपड़े का जो तुम्हारे कपड़ा मैंने लिया है उसके बारे में मैं तुम्हें अदा कर दूंगा। तो उसने जित सबको कहा, जितनों को क्या, वो बहुत ताज्जुब है कि ये क्या कह रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे हमें वो कपड़ा नहीं चाहिए, हमने माफ कर दिया। तो तमाम ग्राहकों को से माफ करवाया, जब इसने माफ करवाया तो लोगों को इसकी ईमानदारी पर और ये हो गया, तो ग्राहक उसके ग्राहक और बढ़ गए बेचने के लिए। ये अंदर की में तो खटका है जो आदमी को मजबूर करता है, हराम कामों से आदमी को मेहनत बचने के आदमी दूसरों के हुकूक अदा करता है। हाँ, इसलिए मेरे भाई मेरे अजीज हो, मौत से पहले पहले मौका है, शैतान तुम्हें जाने नहीं देगा, वो जानता है कि अगर ये जमात में जाएगा और स्वस्थ से ही गुजारेगा तो मेरी जिंदगी भर की मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, ये तौबा करेगा अपनी गलत जिंदगी पर, तो मेरी तो मेहनत बिल्कुल जायगा जाएगी, और फिर ये नेक बन जाएगा और अल्लाह की इताअत पर लगेगा, तो फिर मेरे तो हाथ से गया ये, तो वो कभी अल्लाह के राह में निकलने देता नहीं, और ना नहीं कहता मत जाइयो, वो समझता है कि ना कहूंगा तो ये मानने का था ही नहीं, तो क्या कहता है, वो टलवाता है अभी नहीं फिर जाना। आदमी के दिल की हालत एक 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 रहती नहीं है, हर वक्त आदमी के दिल एक रहती होता, बात बता आदमी दीन की और आखिरत की बात सुनता है तो इसका दिल इतना मुतासर होता है कि रोना शुरू कर देता है, दिल में कसर आया है, और जब दिल में असर आएगा तो आदमी फैसला करने की कोशिश करता है, तो शैतान उसको रोकने के लिए क्या कहता है, अभी नहीं फिर जाना। जो अभी नहीं, अभी दिल में एक बात अल्लाह की तरफ से आई थी और उसने फैसला नहीं किया और शैतान की बात पर मैं तो तैयार नहीं हुआ, तो फिर आइंदा भी मेरे दोस्तों ये उससे टलवाता ही रहेगा। शैतान की मिसाल ऐसी जैसे कुत्ता, कुत्ते को किसी के घर में दाखिल होने का एक रास्ता मिल जाता है तो उसी रास्ते से कुत्ता घुसता रहता है और खाता रहता है, रास्ता मिल गया उसको। शैतान को रास्ता मिल गया टालने का कि अभी भी टलवाएगा फिर आइंदा भी कहेगा आइंदा देखूंगा फिर देखूंगा, इसी भी इसको टलवा के मौत तक पहुंचा देता है। और जब आदमी अल्लाह के वादों पर यकीन करके फैसला करता है तो फिर अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल है, हल होकर अल्लाह के लिए उस मेहनत में लगना आसान हो जाता है। और फिर जब मेरे दोस्तों मेहनत है, ईमान की मेहनत करोगे तो ईमान भी रहेगा, दीन की मेहनत करोगे तो दीन भी रहेगा, माल की मेहनत करो माल मिलेगा, डिग्री की मेहनत करोगे डिग्री मिलेगी, जिस चीज की मेहनत करोगे अल्लाह तुम्हें वो देगा। जब नबी वाली जिंदगी लाने की मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला उस मेहनत पर हमें और आपको नबी वाली जिंदगी, नबी वाला फिक्र, नबी वाला दर्द, नबी वाली रातों को रोने की मेरे दोस्तों सिफत और नबी वाले अखलाक हमें अल्लाह देगा जब उस मेहनत में लगेंगे, उस मेहनत से मिलेगा ये। इस मेरे भाई मेरे अजीजों, इज्तिमा एक मौका है, ईद आती है ना तो ईद का एक मौका होता है, उस मौके पर गरीब भी अपने घर में नए कपड़े सिलाता है और ईद के दिन शीरकुमा वो भी बनाता है, मौका है। ईद को छोड़कर फिर दूसरे दिनों में नहीं कर पाता, कहां से लाना, तो मौके होते हैं जिन मौकों पर उस काम का करना आसान होता है। इज्तिमा एक मौका होता है, लोगों की दुआएं होती हैं, बैतुल्लाह पर लोग पहुंचे होंगे, उन्होंने दुआ की होगी अल्लाह तेरे रास्ते में जिन बंदों ने निकलने का इरादा किया उनके लिए तो आसान कर दे, उनकी दुआएं साथ होती हैं और अल्लाह की मदद वाकों पर मैं दोस्तों यकीन करके आदमी कदम उठाता है तो अल्लाह उसकी मदद करके आसान कर देता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन रब्बिकुम फिद्दारिल अफहात फतअर्रदू लहा,
अल्लाह की तरफ से बंदे को मौके दिए जाते हैं, ऐसे मौके पर आदमी को चाहिए अपने आप को आगे बढ़ाए, पीछे हट न करे, मौके को गरीब समझ ले। इसमें भाई मेरे जी आप हजार से हमारी गुजारिश है, चार महीने मांगे जाते हैं आपसे, क्यों मांगे जाते हैं? चार महीनों में खुदा ने तासीर रखी है क्या आदमी एक ईमान के माहौल में जब चार महीने सही गुजारता है तो उस चार महीने के गुजारने के नतीजे में अल्लाह उसके रुख को सही करता है। किताबों में आता है कि जब आदमी मां के रहम में हमल करार पाता है, जब हमल करार पाता है तो 40 दिन एक सिल्ला गुजरता है तो वो पानी का रुतवा खून बनता है, हालात बदलते हैं। दूसरा चिल्ला जब गुजरता है तो वो खून को खुदा गोश्त बनाता है, गोश्त का डोसा बना, दूसरे हाल बदला। और जब तीसरा चिल्ला गुजरता है तो अल्लाह ताला शारों उस गोश्त में अल्लाह हाथ पैर और तमाम चीजें मुकम्मल बना देते हैं। चार महीने जब गुजर जाते हैं तो अब अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आता है और फरिश्ता उस जिस्म में रूह डालता है तो अब इस पे रूह बढ़ जाती है। अब ये बच्चा मां के रहम में हिलना और हरकत करना शुरू कर देता है। पांच महीने के बाद अल्लाह उस पर वो इस्तेदाद पैदा कर देता है कि दुनिया की आबो हवा बर्दाश्त कर ले, ये पैदा होता है और दुनिया में फूल फिर अल्लाह उसके परिश करते हैं। चार महीने में मुकम्मल हालात बदल जाते हैं और अल्लाह की तरफ से रूह डाली जाती है। ये चार महीने आदमी अल्लाह के राह में निकलेगा, अपनी जान माल लेकर निकलेगा, आमाल मोहम्मद लासम में, दावत में, तालीम और ताल्लुक में, इबादत जिक्र में और अल्लाह की बंदों की खिदमत में और रातों को उठकर दुआएं करने में मांगने में जब ये अपने आप के चार महीने लगाएगा, इस चार महीने में इसके हालात बदलेंगे। हमारे गुरु फरमाते थे पहले चिल्ले में दुनिया का जंग साफ होगा, दुनिया की गफलत और दुनिया की मेदोत और मोहब्बत और ख्वाहिशात, इसका जो जंग चढ़ा हुआ है ये जंग साफ होगा। और दूसरे चिल्ले में तेरी जिंदगी में सुन्नत का रंग चढ़ेगा, नबी वाली जिंदगी की सुन्नत वाली जिंदगी का रंग ये चढ़ेगा दूसरे चिल्ले में। और तीसरा चिल्ला जब गुजारेगा तो अल्लाह तुझे दावत की मेहनत का ढंग सिखा देंगे कि मुझे दावत की मेहनत कैसे करना। ये तीन चिल्लों में मेरे भाइयों आदमी की जिंदगी का एक रुख बदल पड़ता है, दुनिया से आखिर की तरफ, चीजों से आमाल की तरफ। हाँ ये मेरे दोस्तों चार महीने में इसके तासीर मेरे भाइयों, और हजरत साहबा रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में ये मिलता है कि साहबा हर साल अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत में जमातों में अपने औकात लगाते थे जो कम अज कम सालाना चार महीने होते थे। चार महीने एक मतलब अगर आदमी लगाएगा फिर बार बार लगाएगा तो बार बार लगाने से उसके ईमान में, उसके अल्लाह के ताल्लुक में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में इजाफा होता चला जाएगा और जितना ईमान में कूद पैदा होती चली जाएगी अल्लाह की इताअत में आगे बढ़ता ही जाएगा, अल्लाह से उसका ताल्लुक बढ़ता ही जाएगा। और जितना अल्लाह से ताल्लुक बढ़ेगा इतना ही अपने दुआओं से के जरिए अल्लाह से अपने मसाइल को हल करता चला जाएगा। अल्लाह का कुर्ब जितना मिलेगा उस कुर्ब के बकदर अल्लाह क्या तुम्हारी बातों की सुनवाई होगी। हाँ फिर अल्लाह दुआओं पर काम बनाते हैं और अल्लाह ताला हमसे काम लेंगे मेरे भाइयों। इसलिए मेरे भाई ये चार महीने ये ज्यादा नहीं है मेरे भाइयों, चार महीने तो आदमी पैर टूटता तो पैर को सही करने में दवाखाना चाहे दे देता है कि मेरा पैर सही हो जाए। अरे मेरे भाई मेरा अल्लाह से ताल्लुक सही हो जाए, मेरा यकीन सही हो जाए, मेरे ईमान सही बन जाए, मेरी 24 घंटे की जिंदगी मेरे प्यारे आका सलासम के तरीके पे मैं गुजारने वाला बन जाऊं, इतनी बड़ी मकसद के लिए मेरे दोस्तों चार महीने कोई बड़ी बात नहीं है, चार महीने कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी उम्र 30 साल की और आप जा रहे हैं तो 30 साल की उम्र में चार महीने अल्लाह की नींद पर लगा रहे हो तो एक साल के बदले में चार दिन हुए, 30 साल की उम्र आपके हो गई गुजर गई, एक साल के बदले में चार दिन। 40 साल की उम्र जा रहे हो तो एक साल के बदले में तीन दिन, 60 साल की उम्र में जा रहे हो तो एक साल के बदले में दो दिन हुए, कोई ज्यादा नहीं हुए। हाँ इसी मेरे भाइयों और कर देखो आसान तो अल्लाह ही करेगा, अल्लाह के आसान किए बगैर कुछ नहीं होगा, आसान तो अल्लाह ही करेगा लेकिन अल्लाह के यहां आसान करने का जाब्ता है।
جب بندہ دل میں کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے اور اللہ اس کے دل کو دیکھتے ہیں میرے بندے کا دل کا یہ فیصلہ ہے تو پھر آپ آسمان سے اللہ توفیق کا دروازہ کھولتا ہے, اور جب توفیق کا دروازہ کھل جاتا ہے تو آدمی کے لیے نکلنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھو تمہارے اندر بہت سے وہ ہیں جو پانچ وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے, لیکن نماز جمعہ کی نماز کی تو پابند ہوں گے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کی توفیق ملتی ہے اور پانچ وقت کی نماز کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ بات سوچنے کی ہے. جمعہ کی نماز کی توفیق اللہ کی طرف سے اس لیے مل رہی ہے کہ دل میں جمعہ کی نماز کا پڑھنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جمعہ کی نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا. اگر آپ کسی مسلمان کو جمعہ کے دن نماز پڑھتے نکلے ہو, جمعہ کی نماز پڑھ کے نکل رہا ہو, اتنا پوچھو بھائی ابراہیم آئندہ جمعہ کو نماز پڑھو گے تو وہ جاتا جاتا رک جائے گا. کیوں پوچھتا ہے یہ؟ اگر یہ دوبارہ کہے گا بھائی جواب تو آپ کی جمعہ نماز پڑھو اوسر تو میں تو پھر کہتے کیوں پوچھے تو وہ مسلمان نہیں, کیا میں جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھوں گا؟ اور زیادہ غصہ ہوگا تو کہ مسجد تیرے باپ کی ہے کیوں پوچھتا ہے؟ یہ ہنسنے کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس کو سمجھو کہ یہ مسلمان اس کے دل میں جمعہ کی نماز پڑھنے کا پھر دوستو پکا ارادہ اور اندر فیصلہ کیے ہوئے ہے. تو اللہ اسے جمعہ کے دن اگر باہر بھی ہوتا ہے بمبئی بھی گیا ہوگا تو وہاں بھی خدا توفیق دیتا ہے, وہاں مسجد ڈھونڈ کر وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے, وہاں سے توفیق ملی ہے. تمہارے محلوں میں جمعہ کی نماز پڑھنے والے لوگ تم سے پہلے مسجد میں دکھتے ہیں, ان کو مسجد میں کون لاتا ہے اور توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. کیوں؟ کہ اندر کے پکے یہ ہے کہ جمعہ کی نماز تو پڑھوں گا. ایسے ہی میرے دوستو معاف کرنا, آج کے مسلمان نے مسلمان بن کر جینے کا فیصلہ کیا ہی نہیں ہے, اس لیے اسے دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے. اللہ کی طرف توفیق نہیں مل رہی ہے. توفیق تو اللہ کے صحابہ نے جس دن کلمہ پڑھا اس دن کلمہ پڑھنے کے ساتھ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب اللہ کے دین کے لیے جینا ہے اور اللہ کے دین کے لیے جان دینی ہے. اس لیے اللہ نے ان کے لیے جان دینا آسان کر دیا, اللہ کے دین کے میرے فاقے برداشت کرنا آسان کر دیا, اللہ کے دین کے لیے میں دوستوں اپنا سب کچھ لگانا آسان کر دیا, ہو گیا اور لگا دیا انہوں نے. اور ہم نے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ہمیں مسلمان بن کے جینا ہے, مجھے میرے گھر کو مسلمان کا گھر بنانا ہے, مجھے میری دکان کو مسلمان کی دکان بنانا ہے. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا, مسلمان ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتا, مسلمان اپنی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے. یہ میرے دوستو اندر کے فیصلے کے بعد اللہ آسان کرے گا. معاف کرنا, تبلیغ میں لگنے والوں نے بھی فیصلہ نہیں کیا میں مسلمان بن کے زندگی گزاروں, ٹھیک ہے وقت لگا رہے ہیں لیکن مسلمان بنوں, میرے معاملات میری معاشرت میرے اخلاق وہ ہوں جو اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا. جس دن یہ فیصلہ کرے گا مجھے ایسا رہنا ہے, اللہ تعالیٰ اس دن سے اس کے لیے آسان کر دے گا. اس میرے بھائیو ہم اور آپ اجتماع میں آتے ہیں, بات بھی سنتے ہیں, اللہ دل میں ایک بات بھی ڈالتا ہے, لیکن میرے دوستو ہم اپنے انشاءاللہ کہہ کے چھوٹ جاتے ہیں, فیصلہ نہیں کرتے کہ مجھے چار مہینے جانا ہے, میری آخرت کا مسئلہ ہے, میری موت کا مسئلہ ہے, میرا ایمان بن گیا ہے, میری آخرت بن گیا ہے, اس کے لیے مجھے جانا ہے. جب فیصلہ کرو گے اندر سے صحیح کہ کسی حال میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سچا کر دکھائے گا اور اللہ کی طرف توفیق ملے گی. اور اللہ تعالیٰ سالوں میرے دوستو وقت اپنے نبی والی محنت میں میرے تو کون سی محنت کی بلایا جا رہا ہے تمہیں؟ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محنت میں اپنی جان کو لگایا, مال کو لگایا, اپنے خاندان کو لگایا, اور جس نبی نے دو دو مہینوں تک اپنے گھروں میں چولہا جلنا برداشت کیا, اس نبی کی محنت کے لیے کہا جا رہا ہے.
جب اس نبی والی محنت کو کرو گے اللہ تعالیٰ شانوں اس قربانی کو قبول فرما کر وہ زندگی میں دیں گے, وہ برکتیں دیں گے. وہ نبی والی برکتیں اور نبی والی رحمتیں, نبی والی زندگیاں خدا میں دے گا. جو بے دوست ہمارے گھروں میں, ہمارے گھروں دو زندگیاں آئیں گی اور رحمتیں اور برکتیں لے کر آئیں گی, اور آخرت میں نبی والی محنت کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ شانوں اپنے پیارے نبی کے ساتھ ہمارا بھی حج فرما دیں گے. اتنی بڑی نعمت کے لیے کہہ رہے ہیں میرے دوستو, آج کا میں مٹا لو, آج کا میں مٹا لو, اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ, نبی والی محنت کے لیے بڑھاؤ, اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرو اور نبی کی دعائیں لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں دعائیں دی ہیں, اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس کی تو مدد کر. نبی کی مقبول دعائیں ہیں, اور میرے دوست نبی کے بعد اور قرآن کے وعدے ہیں, اس پر یقین کر کے قدم اٹھاؤ گے اور ہمت کرو گے اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا ہاتھ بڑھا کر تمہارے لیے آسان کر دے گا. اس لیے میرے بھائیو, ابھی یہ مجمع جیسے آرام سے اطمینان سے بیٹھا ہے, بات کو سن رہا ہے, بیٹھو, بھاگو مت, پیشاب کے بہانوں سے بھاگو مت, بھاگنے والا کچھ نہیں پائے گا. اور یاد رکھو زندگی کہیں بھی لگ جائے گی, اگر اللہ کے دین پر حق پر لگانے سے بچاؤ گے تو یہ زندگی باطل اور گناہوں کے کاموں میں لگے گی. یہ بات یاد رکھو, کرنے کے کاموں میں لگنے کی فکر کرو گے خدا تمہارے آسان کر دے گا اور تمہاری دنیا بھی بن جائے گی. اور یاد رکھو خدا کی نافرمانیوں کے ساتھ دنیا کی زندگی نہیں بنے گی, مصیبتوں کے دروازے کھل کے چلے جائیں گے. ہاں اللہ کی طاعت کی طرف آؤ گے اللہ تعالیٰ شانو دنیا کی زندگی خوشحال بنا دے گا اور آخرت ہماری بن جائے گی, اور ہم دنیا میں دین کے دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائیں گے اور قیامت کے دن اپنے پیارے نبی کے ساتھ میرے دوستوں اٹھیں گے. اس لیے میرے بھائیو آخر تک بیٹھو, ہمت نہیں پا رہی بیٹھے بیٹھ دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہمت دے, ہمیں طاقت دے, ہمیں توفیق دے. خود کے لیے دعا مانگو, مجمع کے لیے دعا مانگو, امت کے لیے دعا مانگو, اور وہ دعا مانگتے رہو, انشاءاللہ اللہ تمہیں ہمت دے. نام دکھا دینا ورنہ بیٹھے رہو, تمہارے بیٹھے مجمع بیٹھا رہے گا, تمہارے اٹھنے پر دوسرے اٹھیں گے, اور دوسرے کے بھیج دو تو ہم مجمع کے منتشر ہونے کا ذریعہ بن جائیں گے. ہم کم سے کم دین کی مدد اتنی تو کریں کہ تشکیل ہونے تک بیٹھے رہیں, دعائیں مانگتے رہیں, اللہ سے کہیں اگر دعا بھی مانگتے رہو گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق ضرور دے گا میرے بھائیوں. اس لیے آخر تک بیٹھنا طے کرو کہ انشاءاللہ تشکیل تک آخر تک ہم بیٹھیں گے. بیٹھو گے, ارے پیچھے والے بیٹھو گے, پیچھے والوں کو خود آگے بڑھائے گا. اگر وہیں بیٹھے رہو گے تمہارے بیٹھنے پر یہ سب بیٹھے رہیں گے, تشکیل میں تمہارا حصہ ہو جائے گا. لہذا بیٹھے رہو, اور اب میرے دوستو وہ خوش نصیب بندے جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے وہ کھڑے ہو کے بول کر بولنا شروع کریں کہ انشاءاللہ اس اجتماع سے چار مہینے میں نکلوں گا, میرا اللہ میری آسان کرے گا اور اللہ آسانی کرے گا. لہذا کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں. بھائی پیار کریں, ماشاء اللہ کھڑے رہو, اللہ کو اللہ آسان فرماوا, اللہ ان کی جان میں, مال میں, ایمان میں, اعمال میں, آبرو میں, عزت میں خدا برکت نصیب فرماوا. آمین آمین آمین. تو کہو کہ دین کی محنت کھڑا ہونے کا ذریعہ بن جائے, اور کام شروع کرو, اور کرو ہمت میرے بھائیو, اور کرو ہمت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوچو مت, اگر سوچو گے تو شیطان اپنا کام کر جائے گا, اور اللہ کے وعدوں میں یقین کے کھڑے ہو جاؤ گے تو خدا شیطان کی کمر توڑ دے گا. اب کھڑے ہونا شروع کریں. اب دیکھو ماشاء اللہ ہم آپ کی باری آئی ہے, ہمت کرو میرے بھائیوں. نزدیک والے بھی کھڑے ہو, دور والے بھی کھڑے ہو, دائیں والے بھی کھڑے ہو, بائیں والے بھی کھڑے ہو, بیچ والے بھی کھڑے ہو, کرو ہمت میرے بھائیوں. اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ, جتنی دیر کھڑے ہو جاؤ اتنی دیر اللہ تمہیں ثواب دے گا کھڑے رہنے کا. یہ مت پکے بناؤ کہ یار بہت دن بہت دیر کھڑا رہنا پڑے گا. جتنے دیر کھڑے رہو گے اس کھڑے رہنے کا ثواب الگ ملے گا, تمہارے کھڑے ہونے پر دوسرے جو کھڑے ہوں گے ان کا ثواب تمہیں الگ ملے گا. اپنے آپ کو پیش کرو. بہت سے اس میں میں جن کا جو طے کر چکے ہیں, نام بھی دے چکے ہیں اپنی مسجدوں میں, وہ سب کھڑے ہو جاؤ, اپنے آپ کو پیش کرو, اور میرے دوست اللہ سے دعا مانگو.